अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नूर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार गाइस, जैसे कि आप लोग ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम लोग करने जा रहे हैं रिक्रिएट मेकअप लुक मेरी बहन के निकाह का। और फिलहाल जो मैंने ड्रेस पहना हुआ ये भी मेरी बहन के निकाह का है, ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और ये चूड़ियाँ, ये ज्वेलरी अभी रहती है पहनने वाली। तो मैं ना आजकल उसको बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ। लाइक मुझे 6 महीने में उसकी याद नहीं आई जो मुझे अब आ रही है। और लाइक मैं 3 दफ़ा रो चुकी हूँ उसकी वजह से। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना उसको छोटा सा गिफ्ट दिया जाए, ये मेकअप लुक दोबारा रिक्रिएट करके। तो या स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले जो है आप लोग छोटी सी वीडियो देख लें उसके निकाह की, कि वो कैसी लग रही थी अपने निकाह पर। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे मॉइस्चराइजर, और मेरे पास है वैसलीन का मॉइस्चराइजर। ठीक है, अच्छी तरीके से पहले हम अपने हाथों पे लगा लेंगे एंड देन अपने फेस के ऊपर भी हल्का हल्का सा ऐसे टैप कर लेंगे, अपनी नेक पे अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर लेंगे। देन जो है हम लोग यूज करेंगे प्राइमर, जो है मेरे पास क्रेलोन का प्राइमर। जैसे कि आप सबको पता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्रेलोन का प्राइमर, लाइक इसका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट है। तो हमने थोड़ा सा लेना है और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। ठीक है, हल्के हल्के हाथ से जो है हम लोग उसको अप्लाई करेंगे अपने फेस के ऊपर। ठीक है, मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने लिप्स के ऊपर लिप बाम लगाया था ताकि वो सॉफ्ट रहें, और अब हम लोग उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, हमारी बेस बहुत ही अच्छी लगे। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। देन मैं जो है यूज़ कर रही हूँ मिस रोज का प्रोफेशनल मेकअप किट का कंटोर पैलेट, कलर करेक्टिंग पैलेट कह लो या कंटोर पैलेट कह लो, क्योंकि इसके अंदर कंटोर के भी मतलब शेड्स हैं और हर चीज़ है इसके अंदर और रीजनेबल है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मिस रोज के पेज पे चले जाएं। ठीक है, अब मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगी इसके ऊपर, मैंने ऑनलाइन इसको बाय किया था। ठीक है, तो या मैं ऑरेंज सा शेड लूंगी और अपने निशानों पर लगाऊंगी, जहाँ जहाँ मेरी एक्नी है, जहाँ जहाँ पर मेरे हल्के से निशान है, ताकि हमारी बेस अच्छी लगे। देन मैं यूज करूंगी कंसीलर, ठीक है, अपने फेस के ऊपर जहां जहां पे मैंने ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर लगाया था वहां पे अब मैं कंसीलर लगाऊंगी। देन मैं यूज कर रही हूँ मिस रोज का कंसीलर, लिक्विड कंसीलर, अपनी डार्क सर्कल्स के ऊपर और अपनी आईलिड पे। ठीक है, देन मैं यूज कर रही हूँ ये स्पंज, और इससे जो है मैं इसको ब्लेंड करूंगी अच्छी तरह से। देन मैं यूज करूँ ग्लैमर्स का लूज पाउडर, और इससे जो है हम लोग अच्छे तरीके से अपने आईज के ऊपर लगा लेंगे ताकि ये क्रीज ना करे। वैसे मेरा क्रीज नहीं करता, लेकिन फिर भी एहतियातन हमें लगाना चाहिए। ठीक है, देन जो है मैं यूज करी हूँ ये आईब्रो पेंसिल, और इससे जो है मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी। देन जो है मैं यूज करी हूँ रिदा जैन का आई शेडो पैलेट, और ये बहुत ही बेस्ट और कमाल का आई शेडो पैलेट है। ठीक है, इसके शेड्स चेक करें आप जरा कितने फिट है। तो इसमें से मैं यूज करने वाली हूँ ये शेड, मैंने ये लिया है ब्लेंडिंग ब्रश, सॉरी मैंने ये लिया है ब्लेंडिंग ब्रश, और इससे जो है मैं अच्छे तरीके से अपनी आईज पे लगाऊंगी।
देन जो है मैं ये शेड यूज कर रही हूँ स्पीचलेस का, लाइक है रिदर्स एंड का, लेकिन इसका जो नाम है वो स्पीचलेस है। ये भी हम लोग अपने आईज पे अच्छे तरीके से लगा लेंगे, दोनों आईज पे हम लोगों ने सेम इसी तरीके से करना है। देन मैं यूज कर रही हूँ ये शेड अपनी आईज के ऊपर। उसने जो है ना बिल्कुल सिंपल सा ब्लैक स्मोकी टाइप से उसने मेकअप किया था, लाइक उसने ब्राउन सा शेड लगा के देन जब उसने लाइनर लगाया था उसने उसको स्मज कर दिया था, अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया था। तो हम लोग वो करने की कोशिश कर रहे हैं। देन जो है मैं यूज करी हूँ ये आईब्रो पेंसिल, और इससे जो मैं हल्का सा ना लाइक अपना लाइनर टाइप से क्रिएट करूंगी। लाइनर हमने नहीं लगाना, हमने बस ये पेंसिल यूज करनी है और इसको हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देना है। अब जो है हम लोग इस ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे, एक हमने हल्का सा लगाया और उसके बाद हम लोग उसको स्मज कर देंगे। हल्का सा ये वाला शेड हम लोग ब्रश से लेके अपने आईज के नीचे लगाएंगे वाटर आई लाइन पे। ये वाला आई शेडो, और इससे जो है मैं अपने यहां पे एरिया को हाईलाइट कर लूंगी। अब जो है हम अपनी बाकी बेस बनाएंगे, देन जो है हम मस्कारा लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यूज करूंगी क्रेलॉन की स्टिक और इसका शेड है आइवरी। अब हमने स्पंज की मदद से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना। हमने अपने स्पंज को थोड़ा सा वेट कर लिया ताकि हमारी जो बेस है वो फ्लॉलेस लगे। आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, आप ये कर सकते हो, आपकी इससे बेस बहुत अच्छी लगेगी। देन मैं यूज करूंगी लूज पाउडर, ठीक है, अपने फेस के ऊपर अच्छी तरीके से जो है हम लोग अपने बेस को सेट कर लेंगे लूज पाउडर से। मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्लैमर्स का लूज पाउडर और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अब मैं ड्यूडू गर्ल का कंटोर पैलेट यूज करने वाली हूँ, और इसमें से जो है बिल्कुल लाइट सी उसने कंटोरिंग की थी, लाइट सा उसने हाइलाइटर लगाया था, ब्लशर लगाया था, तो हमने बिल्कुल उसको फॉलो करना है। तो मैं ये दो तीन शेड जो है हल्के से मिक्स करके इससे अपने फेस के ऊपर कंटोर करूंगी। बिल्कुल लाइट सा हमने कंटोर करना अपने फेस के ऊपर। देन मैं यूज कर रही हूँ ब्लश ऑन, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा हम लोगों ने इसको यूज करना है अपने चीक्स के ऊपर। उसने बहुत ही लाइट सा और मजे का मेकअप किया था, लाइक न्यू टाइप से मेकअप किया हुआ था उसने, खुद किया था अपना मेकअप अपने निकाह पर, और बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ, उस जितनी प्यारी तो नहीं लग सकती, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि हम लोग उसके बराबर बराबर लगे। देन मैं यूज करने जा रही हूँ किस चेन का हाइलाइटर, और बिल्कुल लाइट से हमने हाइलाइटर यूज करना है। अच्छे तरीके से हम लोग हाईलाइट कर लेंगे अपने फेस को। देन मैं यूज कर रही हूँ मिस रोज की लेक लिप पेंसिल कह लो, ठीक है, ये है 11 रेड कलर्स का जो शेड नंबर है। और अभी हम लगाते हैं,
लिपस्टिक अब हमने लगा ली और अब हम लोग पूरा अच्छे तरीके से तैयार होंगे, सेट होंगे, देन हम आते हैं आपके सामने।